Hey, what's up guys, welcome back to VFX 101. Okay, आज हम क्रिएट करेंगे द बैटमैन, मोस्ट अवेटेड मूवी है, उसका टाइटल एनिमेशन. तो स्टार्ट करते हैं. सिंपल, बैटमैन का जो लोगो है, जो टेक्स्ट है, उसका PNG फॉर्मेट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. उसको सिंपल आप इंपोर्ट करके अल्फा चैनल पे ऑटो प्रेस कर लो, बहुत आसान है. उसके बाद आप देखोगे कि न्यू लेयर ऑटो ट्रेस की जनरेट हुई है और उसका मास्क क्लिक हो गया, मास्क क्रिएट हो गया है. जैसे आप एम प्रेस करते हो तो लाइन से 1 to 8 तक मास्क जनरेट होगा. सिंपल जूम आउट की हम क्या करते हैं, एक कैमरा एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं. ओके, एक काम करते हैं, जो प्रीसेट है वो रखते हैं हम 50 mm, हिट ओके. और ये हमसे कह रहे हैं भाई साहब कि 3D लेयर पे ही कैमरा क्रिएट होता है. चले जी, कन्वर्ट कर लेते हैं 3D लेयर में. और यहाँ पे सिंपल ट्रांसफॉर्म, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेट एंड पोजीशन पे की फ्रेम अप्लाई किया, जूम इन किया टेक्स्ट को विद द हेल्प ऑफ डॉली टूल, यस. और जूम आउट कर लेते हैं 4 सेकंड पे कैमरा को. ओके, तो ये जूम आउट एक बेसिक एनिमेशन जो है हमारी क्रिएट हो गई. इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं ताकि स्लो हमारे पास आ जाए. वाह, ओके, ये हमारे पास स्मूथ एक जूम आउट जो टेक्स्ट की कैमरा एनिमेशन थी सीन की, वो हमारी क्रिएट हो गई. नेक्स्ट अब हमने करना क्या है, जो बैटमैन है का टेक्स्ट ऑटो ट्रेस है उसको सिंपल एनिमेट करना है. यार बहुत आसान है, सिर्फ टेक्निक देखो क्या है. प्रेस करते हैं हम, पहले तो हम टाइम स्लाइडर को लेके जहाँ से हमें टेक्स्ट एनिमेट करना है, देन प्रेस एम की फॉर मास्क. और हमने सेलेक्ट किया बी का जो मास्क है फर्स्ट, तो हमने देखा कि उसने मास्क 2 जो है उसको सेलेक्ट किया, जो उसका फर्स्ट की फ्रेम है. ये हमारा लास्ट की फ्रेम होगा, यहाँ समझिएगा, जो फर्स्ट की फ्रेम है वो हमारा क्या होगा, लास्ट की फ्रेम होगा. उसको हम ड्रैग करके ले गए 5 सेकंड पे. अब हम मूव करेंगे, शेप चेंज करेंगे मास्क की, जहाँ से हम स्टार्ट करना, यानी कि ये हमारा फर्स्ट हो गया और लास्ट हम चूज कर चुके. अच्छा, ऐसा क्यों किया, ताकि हम एग्जैक्ट लास्ट वही फ्रेम पे आए जो बी का हमारा जो शेप है उसका ओरिजिनल फिगर है, ओरिजिनल शेप है. ओके, सेम यही वर्क हमने क्या किया, जो सेकंड बी का हमारे पास स्पेस था उसके साथ किया कि फर्स्ट फ्रेम को हम लास्ट फ्रेम पे ले गए और जो हमारे पास टाइम स्लाइडर था वहाँ हमने फर्स्ट फ्रेम की शेप चेंज कर ली. ये बहुत आसान है, सेम यही प्रोसेस. एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा रैंडम कर लेते हैं की फ्रेम्स को, यानी कि डोर इस तरह से ओपन हो रहा है रैंडमली. तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है और ये जो मैंने आपसे शेयर किया. अब यही सेम प्रोसेस जो नेक्स्ट अल्फाबेट्स हैं ATMAN, इन सब के साथ अप्लाई करना है. सिंपल आपने सेलेक्ट करना है, देन की फ्रेम्स को आपने मूव करना है और फिर फर्स्ट जो फ्रेम आप चूज करना चाह रहे हो उसको करना है. तो इसको कर लिया थोड़ा फॉरवर्ड ताकि आप लोग बोर ना हो, जब तक कुछ दूसरी बात कर लेते हैं. मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट्स का VFX का क्रैश कोर्स, यानी कि एक VFX क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी लाइव. लेकिन उसके लिए छोटी सी एक मुझे आप लोगों से एक उम्मीद है, वो ये है कि मुझे चाहिए 10K सब्सक्राइबर. अभी 9 point something सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मुझे 10K सब्सक्राइबर करने हैं ताकि मैं इजीली आसानी से इसको लाइव हो जाऊं. तो लेकिन मुझे रिलेवेंट ऑडियंस चाहिए जो सीखना चाहते हैं VFX, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स पे. हम डिफरेंट 3D सॉफ्टवेयर्स के थ्रू भी वर्क करेंगे, इंटीग्रेशन भी लेंगे हम के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को लेके, जैसे सिनेमा 4D है आपका, ब्लेंडर हो गया, और भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको लेके किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से थर्ड पार्टी प्लगइन्स के थ्रू वर्क करते हैं, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगा. चले जी, अब हमारे पास एक है बैट शेप, ये भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. उसको मिडिल में रखा आपने या बॉटम कर लिया, उसके क्या कहते हैं आपका जो ऑटो ट्रेस लेयर है उसके नीचे रखा, देन आपने इसको भी हमने क्या कर लिया कि जूम इन या स्केल इन की आपने क्या कर लिया, एक हमने एनिमेशन क्रिएट कर ली. ये भी बड़ा आसान है, बिल्कुल बेसिक है. देखिए जी, अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी तो हम आप मिलके मतलब एक अच्छा एक VFX क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा. चले जी, ओके, और अब हम एक काम करते हैं, इस पर गॉशियन ब्लर अप्लाई कर लेते हैं और इसकी जो वैल्यू है ये फिलहाल हम रखते हैं फर्स्ट की फ्रेम पे मोर देन 50%, देन अप्लाई की फ्रेम, मूव द स्लाइडर फॉर 2 सेकंड और वैल्यू रख ले 0. ओके, ये भी बड़ा आसान है. तो ये देखिए बेसिक एनिमेशन हमारी क्रिएट हो गई. अब हम एक काम करते हैं, आपका जो बैटमैन का जो शेप है
उसका जो ट्रैक मैट है वो करेंगे अल्फा मैट, तो ये इजीली इसमें मैट हो जाएगा, तो ये आपकी बेसिक जो है टेक्स्ट एनिमेशन अपियरेंस जो है वो रेडी हो गई। ओके, टाइप कर लेते हैं डी टी एच ई डी, और इस फॉन्ट का जो टेक्स्ट कलर है वो मैंने यहीं से चूज किया है। ओके ओके चले, नेक्स्ट हम एक काम करते हैं, हमारे पास जो शेप है उसको भी हम स्केल एनिमेट कर लेते हैं। तो फिलहाल फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे, फर्स्ट फ्रेम पे जाते हैं और इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट अपीयर हो रहा है टेक्स्ट में, वो कूल नहीं आ रहा जो रियल ओरिजिनल में। कुछ इस तरह से कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा रिसाइज करते हैं, रिड्यूस करते हैं साइज को, और आपका टैक्स एनिमेशन इस तरह से रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज की जो क्लास है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा, सब्सक्राइब करो VFX 101 को, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना। थैंक यू।